डॉक्टर साहब, मेरे लाल को तेज बुखार है। डेंगू आस पड़ोस के बच्चों की जिंदगी ले गया। मेरे कलेजे के टुकड़े को ठीक कर दो डॉक्टर साहब। ये गुहार फिरोजाबाद के 100 शैया अस्पताल के गेट पर आंखों में आंसू लिए आई माँ की थी। यहाँ शनिवार की सुबह कई महिलाएं बुखार से तपते बच्चों को गोद में लेकर पहुंची, उनका इलाज करने के लिए गुहार लगाई, लेकिन स्टाफ बीमार बच्चों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहा था। किसी को भर्ती किया तो किसी को दवा देकर लौटा दिया। भीमनगर में रहने वाली रिंकी देवी ने रोते हुए बताया कि बच्चे को 3 दिन से बुखार है, घर के पास क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। इलाज के लिए 100 शैया अस्पताल आई हूं तो सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल से बाहर निकाल दिया है। कह रहे हैं कि 36 नंबर कमरे में जाओ। 36 नंबर कमरे में गए तो कह दिया कि 100 शैया में जाओ। नगर विष्णु की रानी देवी अपनी नातिन सौम्या को देखने आई थी। बच्ची गोद में बेहोशी की हालत में थी, बुखार से बदन तप रहा था। इसके बाद भी उन्हें इधर से उधर टहलाया जा रहा था। नातिन को इलाज नहीं मिलने पर वो फपक फपक कर रोने लगी। कहने लगी, यदि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज के प्रचार होंगे। रसूलपुर से आए गणेश अपनी पुत्री गुनगुन के सिर पर पानी की पट्टी लगाकर बुखार उतारने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि पूरी रात पानी की पट्टी से बुखार उतारा है। इसके बाद भी 100 शैया अस्पताल में कोई चिकित्सक ने देखा तक नहीं। झलकारी नगर में आई रश्मि ने बताया कि बच्चे की जांच रिपोर्ट कराई थी। रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन अब डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं। इसी तरह कई महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों को लेकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन इलाज से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। 100 शैया अस्पताल से लेकर वार्डों में सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये मरीज और तीमारदारों को गेट पर ही रोक देते हैं। दोपहर के समय 100 शैया अस्पताल के मुख्य गेट पर रस्सी बांध दी गई है। यदि मेडिकल कॉलेज प्रशासन सुरक्षा से ज्यादा इलाज पर ध्यान दे तो मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जाँच भी नहीं करा रहे चिकित्सक। 100 शैया अस्पताल में खड़े तीमारदारों का आरोप था कि तेज बुखार के बाद भी चिकित्सक जाँच नहीं करा रहे हैं, सिर्फ दवा पकड़ा कर घर जाने को कह रहे हैं। चिकित्सकों को द्वारा बोला जाता है कि अस्पताल में जगह नहीं है, इससे अच्छा है कि निजी अस्पताल चले जाओ। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।